बरारास लिए चलते हैं। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अदलिया के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इसी शहर में हमने सड़कों पर डंडे भी खाए हैं, थानों में बंद भी हुए हैं, हमारे साथी जेलों में भी बंद हुए हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने बगैर किसी प्रेशर में आए कल बड़ा जिस तरह से दिखाया है सब कुछ, वो इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों गुजारिश ये है कि जाहिर मेरी एक पहले इस गवर्नर हाउस में जब आज तकरीबन एक महीना हो गया ऐसी यहाँ इस दरबार हॉल में मेरी वोट टेकिंग थी, उससे पहले जाहिर आप मेरी एक शनाख्त थी, एक सियासी पार्टी के हवाले से मेरी एक शनाख्त थी, एक जदोजहद रही है। सब लोग जानते हैं कि मैंने एक बड़ी वजादारी के साथ सियासत की है सभी साल। मैं अपनी कोई यहाँ पे अगर आज गवर्नर हाउस में बैठा हूँ तो मैं यहाँ पर कोई दिहाड़ियाँ लगाने के लिए या फिर अपने कोई और मामला सीधे करने के लिए नहीं बैठा हूँ। जो एक जिम्मेदारी है उसके मुताबिक उसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने पहले दिन जब मैंने ऑफिस टेक ओवर किया, आप मेरी चीफ सिक्योरिटी और बाकी मेरे अमले से पूछ सकते हैं, मैंने उनका वाजे तौर पर कहा कि अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस की। आज मैंने कोर्ट पे अपने जो ना पार्टी के झंडे के लिए पाकिस्तान का झंडा लगाया। आज मैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्ड कर रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। आप मैंने अपने अमले से कहा कि किसी भी जमात से किसी का ताल्लुक, कोई MLA हो, MPA हो, सेनेटर हो, वर्कर हो, कोई आम शहर हो, मेरे से मिलना चाहते हैं, कोई गांव है, सबके लिए मेरे गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हमेशा 24 घंटे। आपके सामने कुछ दिन पहले आपको वो एक तकलीफ का सामना करना पड़ा, गेट पे आप लोगों को रोक लिया गया। जब मुझे असद उमर साहब और शफकत महमूद साहब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, मैंने उनसे माजरत कर ली कि पहले यहाँ पे क्या होता रहा उसका मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन मेरे होते हुए ये किसी मखसूस पॉलिटिकल पार्टी का पार्टी का ऑफिस नहीं बनेगा। आज तकरीबन मुझे ऑलमोस्ट एक महीना हो गया इस ऑफिस में, और मैं जिस दिन चाहे हूँ कहते हैं ना कि सर मुंडाते ही जाए ओले पड़ गए, तो वो अल्लाह साहब है। पहले 2-3 दिन जो थे वो मैं जाहिर है एज ए गवर्नर की जो ब्रीफिंग्स थी कि क्या जो स्टाफ ब्रीफिंग थी उसमें लगा रहा। इन द मीन टाइम पंजाब के अंदर एक नए वज़ीर आला का इलेक्शन का आगाज़ हो चुका था, प्रोसेस इनिशिएट हो चुका था। मैंने उसको एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द प्रोविंस उसको मैंने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया, मॉनिटर किया इस मामले को सारे, जब मैंने खुद अपने तौर पर तहकीक की, क्योंकि मेरे इस गवर्नर के ऑफिस होल्ड करने से कुछ चंद दिन पहले ये सिलसिला जहाँ से सारा शुरू हुआ था वो वज़ीर आला पंजाब के इस्तीफे से। बहरहाल आज 2-3 अहम इशूज़ हैं जिस पर तफसीली आपसे बात होगी, इसलिए मैं आप ज़रा हौसले से मेरी गुफ्तगू जो है कोशिश करूँगा जितना ब्रीफली मैं बात कर सकूँ। सबसे पहले आते हैं तो कल यहाँ पर वारदात हो गवर्नर हाउस ये गवर्नर हाउस जो है गवर्नर का ऑफिशियल रेजिडेंस भी है और ऑफिस भी। मैं इसको बतौर एक रेजिडेंस नहीं इस्तेमाल कर रहा क्योंकि मेरी अपनी एक पॉलिसी अपना कह लेंगे, अपना घर है, कैंट में मैं वहाँ रहता हूँ और सिर्फ ऑफिस वर्क के लिए या लोगों से जो मेल मुलाकात होती है उसके लिए यहाँ पे आता हूँ। कल जब सुबह मैंने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा, क्योंकि मैं घर जाता हूँ तो प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ मुझे वापस आ जाती हैं, सिवाय ऑफिशियल वर्क के मैं नहीं इस्तेमाल करता। जब मैंने सुबह ऑफिस आना तो मैंने मिलिट्री सेक्रेटरी से अपने कहा कि जी मुझे मेरी गाड़ी भेज दो, तो उन्होंने कहा जी ना हम बाहर जा सकते हैं ना आप अंदर आ सकते हैं, आपको पता नहीं। मैंने क्या, उन्होंने कहा TV लगा के देखा। मैंने सुबह जा रहा सुबह उठा था मैं जहरी के बाद, तो उठा जब रात को भी जा रहे हो लेटर जब परसों सब काफ़ी लेट सारा प्रोसेस होता रहा, लेट बैठे रहे ऑफिस। मैंने लगाया तो देखा कि ना मेरे गवर्नर हाउस के बाहर 1400 आप लोगों ने रिपोर्ट किया तो 1500-2000 पुलिस वाला जो है पंजाब पुलिस का जो है उसने घेराव किया हुआ गवर्नर हाउस का। उसके बाद क्योंकि इसकी थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड में लेके जाना चाहता हूँ, जब 16 अप्रैल को इलेक्शन होता है पंजाब असम्बली के अंदर, उस इलेक्शन के बाद मुझे रात को डिप्टी स्पीकर कॉल करते हैं कि सर मैंने आपको इंटीमेशन भेज दी है, हमजा शहबाज जीत गया और मियां साहिबान की ख्वाहिश है कि उनके बेटे का जो हल्फ है, हल्फ की तकरीब है, वो गवर्नर हाउस में। अब गवर्नर हाउस जो है ये मेरा एक ऑफिशियल रेजिडेंस है, ऑफिस है, किसी
आईन की किताब में किसी अदालती हुक्म के अंदर ये नहीं लिखा कि सीएम का जो है हलफ जो है वो गवर्नर हाउस में होगा। ये मेरी अपनी जाती एक सवाब दी थी जिस पर मैंने उसको जब मुझे मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने आके इजाज़त मांगी तो मैंने फौरन कह दिया कि बिल्कुल, क्योंकि मैं इतना ना तंग नज़र हूँ ना इतना कम ज़र्फ हूँ कि मैं उस पर कहता कि नहीं। अगर उनकी ये ख्वाहिश है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सरकारी जगह अच्छा एक ज़ाहिर है, इसकी अपनी एक हिस्ट्री है, एक हेरिटेज है, वो अगर करना चाहते हैं यहाँ पर तो कोई बात नहीं, मैंने इजाज़त दे दी। अब रात को जब उस दिन फिर जब सारा आपकी मीडिया सारी रिपोर्ट सामने आई और मैंने सेक्रेटरी पंजाब असम्बली से रिपोर्ट तलब की आपके सामने, आपको याद है, और मैंने उनको पाबंद किया कि सुबह, क्योंकि अगले दिन 8 बजे का टाइम था इनका, मैंने इसको 12 बजे तक पाबंद किया कि मुझे रिपोर्ट करें। उनकी रिपोर्ट आई और उसके बाद फिर आपको याद है मैंने 17 तारीख को यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे हालात आपके सामने रखे। उसके बाद किसी तौर पर भी उनका हल बर्दारी जो है वो किसी तौर पर भी आईनी या कानूनी नहीं रही थी, लिहाजा उनसे माजरत कर ली गई कि आप अपने ये टेंट यहाँ से उखाड़ेंगे। डीसी लाहौर को कहा गया, उन्होंने वहाँ से उखाड़े और इस सारी तकरीब के लिए मैंने पहले कह दिया था कि मैं आपको अपना लोन दे सकता हूँ, 1 रुपये का भी फंड नहीं है आपकी ये सारी इस तकरीब के लिए, इसलिए जो करना आपने अपने खर्चे पर जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन करी गवर्नर हाउस उसके लिए 1 रुपया आपने दिया। अच्छा, वो जब उठा के ले गए उसके 2 दिन बाद फिर चीफ जस्टिस साहब ने जो है एडवाइस भी थी, वो हुक्मनामा नहीं था क्योंकि आईनी तौर पर अदलिया जो है गवर्नर को जो है उसके ऑफिस को ऑर्डर नहीं कर सकते, इस तरह एडवाइस थी। उसके ऊपर भी इन्होंने फौरन आके फिर लगाना इजाज़त मांगी, मैंने फिर इजाज़त दे दी। जाहिर है वो गैर आईनी काम था, वो तो हल्फ होना ही था। फिर 2 दिन इंतज़ार करके फिर वो उखाड़ के ले गए। फिर परसों रात को जस्टिस जवाद साहब का जो फैसला आया उसके बाद कि जी स्पीकर असम्बली जो है वो हल्फ लेगा, मेरे पास फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी आया कि जी आप, मैंने कहा बिल्कुल आप लगाएं, अगर अदालत का हुक्म है और वो स्पीकर साहब आ रहे हैं तो आप ज़रूर लगाएं। ये बात है जब 8:30 में फैसला आया था, 8:30 ऐसे कोई टाइम था, 8:15। उसके बाद मैंने फिर अगेन मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मुझसे कहा जी अब इजाज़त है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल इजाज़त है आप लगाएं। लेकिन जब मैंने अपने उसके बाद फिर वही आपको पता है कि सारे जब भी ये सारे चल रही थी सूरत हाल, तो इसमें मैंने फिर अपने आईनी माहिरीन से अपनी लीगल टीम से मुशावरत की और हमने फैसला किया। जब लेटर ऑन फैसला हुआ लेट नाइट आके हम लेटर मैंने लिखा स्पीकर कि जनाब ये सारी सूरत हाल है, जो इस्तीफ़ा उस चीफ मिनिस्टर का जिसके ऊपर सारा जिसके बेस के ऊपर सारा ये एक्टिविज़म चल रहा है, तो ये सूरत हाल है। जब वो लेटर मैंने जारी कर दिया तो उसके बाद ये तकरीब जो थी ये जाली वज़ीर आला को गैर आईनी तौर पर हल्फ बर्दारी की तकरीब थी। मैंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मिलिट्री सेक्रेटरी को बड़ा क्लियरली ऑर्डर किया और उनको एक्सप्लेन किया कि वजह क्या, अब हम इस किस्म की एक्टिविटी की इजाज़त नहीं दे सकते गवर्नर हाउस में किसी गैर आईनी गैर कानूनी काम के लिए। वैसे उन्होंने आना है यहाँ सैर सपाटा करना है, चाय पीनी है, ज़रूर आए, वी आर द मोस्ट वेलकम, लेकिन इसके लिए इजाज़त नहीं। मुझे एक आ गया कि जी सुबह आप फिक्र नहीं करें, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात होगी है डीसी से और सुबह शहरी तक ये सारा वाइंड अप हो जाएगा लाहौर, क्योंकि उन्होंने लाहौर में कहा था, लाहौर में और बड़ी सरकारी जगह नवे शहर के ये क्या है लाहौर में नवे शहर जो है वहाँ पे अच्छा खासा अरेंजमेंट हो सकता था। उन्होंने कहा जी हम अगर आपने करना भी हुआ तो हम कर लेंगे, मैंने कहा ठीक है। सुबह की तो सूरत हाल मैंने आपको बता दी, जब मेरा यहाँ पर पूरा इन्होंने इसको होस्टेज बना लिया, होस्टेज रखा मैंने आईजी, अब मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने आईजी से चीफ सेक्रेटरी से बार बार कहा कि आप ये ज़्यादती कर रहे हैं यहाँ पे, अगर जो जिस तरह ये मीडिया चल रहा है और ये पुलिस आपने बाहर खड़ी की है लाहौर के कई जिंदा दलान ने लाहौर का भी, बल्कि मैं इंतहाई मशहूर हूँ कि जिस तरह उन्होंने मुझे मैसेजेस किए कॉल्स की, पूरे पंजाब से कई यंगस्टर्स हैं जो आना चाहते थे कि सर आप हमें एक दफ़ा इशारा करें, हम इनको तो इधर ही इनकी आज तबीयत साफ़ करते हैं, ये गेट से बाहर निकल सकेंगे। मैंने उनकी मिन्नत अदा की और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को माना, क्योंकि ये लोग चाहते ही ये थे कि इस किस्म के कोई चीप पॉलिटिकल स्टंट्स हों यहाँ पे, जो ये 2 दिन पहले उन्होंने कोसार मार्केट में करने की कोशिश की है, वहाँ पे डिप्टी स्पीकर के ऊपर जिन्होंने हमला कराया है वहाँ पे और फिर उन्होंने उसका भुगत भी लिया उन्होंने खुद। बहरहाल मैं इस चीज़ को अवॉइड करना चाहता था कोई ना आप में से कई मीडिया के दोस्तों को मैंने इस चीज़ की इलम होने, क्योंकि मैं कोई ऐसी सनसनी ही फैलाना चाहता था। आपको पता है मीडिया का दौर है, फिर जब एक चीज़ निकल जाती है तो फिर उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है, और एक जिम्मेदारी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें
कह रहे हैं कि इतनी तौफीक अकल दी कि इस चीज़ हमने इस चीज़ को रोक लिया कि बजाय इसके कि यहाँ पे इमरजेंसी की सूरत हाल होती है सूबे के अंदर। अब आते हैं असल इस सारे पिछले एक महीने से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे 12 करोड़ जिसकी आबादी है उसके अंदर जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पास है, जो एक सियासी एक हैजानी कैफियत है एक महीने से, इसकी वजह क्या है, कौन से किरदार हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं? तो उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये इस्तीफ़ा, ये फितना है, ये फितना है, वो इस्तीफ़ा जो वज़ीर आला पंजाब ने एक गैर आइनी गैर कानूनी इस्तीफ़ा जो आइन की जो शिक है, जो चलाएं ज़रा आर्टिकल 135 क्या कहता है, 8 सब क्लॉथ 8 पढ़ें जी इसको ज़रा। द चीफ मिनिस्टर मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द गवर्नर रिजाइन हिज ऑफिस। अब ये सिंपल अंग्रेज़ी है और इतनी छोटे से इस आइन की शिक को पढ़ने के लिए आपको वो बड़ी बड़ी डिग्रियाँ नहीं चाहिए। एक आम फैन बंदा भी जिसको थोड़ी बहुत समझ है वो एक किताब पढ़ के उसको समझ आ सकती है कि क्या कह रहा है, रिक्वायरमेंट क्या है। दो रिक्वायरमेंट्स हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो वज़ीर गवर्नर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको एड्रेस होगा और हाथ से लिखा होगा। किसी तौर पर भी इसको जो है आइनी और कानूनी कहा जा सकता है, और ये मैं नहीं कह रहा, चलाएँ ज़रा एतज़ाज़ अहसन साहब जो आप हमारी अदलिया आज़ादी मूवमेंट के सबसे ज़्यादा जो लीडिंग और बड़े सीनियर लॉयर हैं पाकिस्तान के, उनका ज़रा क्लिप सुनाएं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या ये आइनी कानूनी तौर पर सही है। आवाज़ उच्च करें ना, दोबारा चलाएं, ऊंचा करें, अच्छा जब ये इस इस्तीफ़ा जब मैं गवर्नर ऑफिस आया तो मैंने ये फाइल निकलवाई रेजिग्नेशन की, क्योंकि जब मैं गवर्नर बनने से कुछ 4-5 दिन पहले जब ये सारा वाकया होता है तो उसके बाद नून लीग के इंतहाई सीनियर जो कायदीन हैं, मैं ख्वाजा साद रफीक साहब, अयाज सादिक साहब एंड दाना सनावला साहब जो खुद भी वकील हैं माशाल्लाह से, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ज़रा वो सुन लेते। पंजाब के इस्तीफे को गर्म किया हमारे कानूनी मालिक की नज़र में, मुजीरा पंजाब उस्मान गुलजार साहब का इस्तीफा गैर आइनी और वो इस्तीफे को मंजूर करने का हुकूमत पंजाब का नोटिफिकेशन सब गैर कानूनी है और आइन की आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 1 की वायलेशन। देखिए आप, मुझे भी यहीं से पता चला था कि ये क्या वारदात है। खैर जब मैंने गवर्नर बन के फाइल मंगवाई और वाकई ये बात तो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, मैंने जो है अब ज़ाहिर है जो गवर्नर मेरी, मैंने अपने स्टाफ से पूछा किताब देखी है गवर्नर क्या करना चाहिए इसी सिचुएशन में, उसमें मुझे किताब भी कहती थी कि तुमने एडवोकेट जनरल से ओपिनियन लेना चाहिए इसको। मैंने एडवोकेट जनरल पंजाब को लिखा
शोरबत के, मुझे इस पर राय दें। आप सबके पास कॉपीज आ गई होंगी, उनकी रिपोर्ट जो है इस कॉपीज आपके पास में। आपको याद है जो है 17 तारीख की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने इशारतन इसका जिक्र किया था, खुल के इस पर बात नहीं की। क्यों? इसलिए कि मुझे समझ आ गई थी क्या हुआ, वो क्या रहा। एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जब मैं बात करता हूँ कि तो गवर्नर जो है सूबे का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जितने आइनी इदारे दूसरे वो इस गवर्नर पंजाब के मातहत आते हैं आइन के मुताबिक। तो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जितना बाकी इदारे गवर्नर हाउस के और गवर्नर के किरदार पर बड़ा कंसर्न शो किया पिछले हफ्ते 10 दिन में कि गवर्नर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। इसी तरह मुझे भी बड़ा कंसर्न था कि ये जो मेरे मातहत आइनी इदारे ही कर क्या रहे। मैंने कोशिश की कि मैं ऐसी कोई बात न करूँ जिससे उनकी सुबकी हो, और मैंने उनको पूरा टाइम दिया कि वो अपना कोर्स ऑफ एक्शन ठीक करें। बात यह कि जो किसी इदारे में बैठे हुए लोग होते हैं वो किसी भी वजह से, चाहे कॉम्प्रोमाइज हो, किसी प्रेशर में आ जाएं, किसी वजह से भी हो, वो जब कोई ऐसी गलती या हमाकतें होती हैं हो जाती हैं किसी से, किसी भी इदारे में बैठे हुए, तो उसकी सजा उस पूरे इदारे को भुगतनी पड़ती है। आज हम आप मीडिया के दौर हैं, मीडिया के लोग हैं ज़्यादा इस चीज़ को बेहतर समझ सकेंगे। आज पाकिस्तान जो है 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर की जद में, आज गोली चलाने की जरूरत ही पड़ती, सिर्फ एक मैसेज चलाना पड़ता है तो पूरे आग लग जाती हर तरफ। और पिछले 2-4 दिनों से आपने देखा होगा जिस तरह हमारे कौमी इदारों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके अंदर हमें अपने लोगों को भी तैयार करना चाहिए कि इसका हमें दिफा कैसे करना है।